Namaste! Hi, my little friends. Welcome to your favorite Yellow Classes General Knowledge with Karan ma'am, How are you all? Everybody is doing fit, fine, and rocking. Awesome! I am doing superb as well. And uh, just like hamisha, super excited. Why? Well, up to ye kyu ka hi hai. because up to Hamari यू नो वी है फैमिली हम लोग एक फैमिली की तरह बन चुके हैं ना? हमें मिलना ही है बिना दिन ही पूरा नहीं होता कब मेरा मैम आएंगी कब कुछ अमेजिंग बताएंगी कब हमें बहुत सारे न्यू न्यू फैक्ट पता चलेंगे और फिर हम भाग के अपने घर में सबके पास जाके पूछेंगे क्या आपको वो पता है जो हमें पता है राइट यस सो आई एम रियली और आज मैं क्या खास लेकर आई हूँ क्या खास लेकर आई हूँ वेल जैसा uh, मैं आपको हमेशा promise करती हूँ कि मैं कुछ नया ढूंढने की कोशिश करती हूँ नो आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड कि क्या मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नया लेके जाऊं क्या उनसे नई नई बातें करूं राइट right? सो so, आज कुछ डेफिनेटली यूनिक है ओके okay? अब जब मैं यूनिक की बात करती हूं तो अम्म हाँ बहुत सारी चीजें आज नई होंगी नाम नए होंगे बट वो तो हमें पता ही है मेरा मैम तो नया सिखाती ही है राइट किड्स कई बारी जरूरी नहीं होता कि हर चीज हम अपने दिमाग में बिठा के रखें जरूरी नहीं होता कि हमें हर नाम याद हो पर क्या जरूरी होता है कि हमें चीजों के बारे में पता हो हम उस चीज से ऐसे ना हो जाए कि ओ, ये क्या है इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं राइट right? आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है well, uh, you know, जब हम इंडिया की बात करते हैं हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारी कंट्री में uh, जो एक पूरी कंट्री है इंडिया भारत वो कुछ यू नो डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में बटी हुई है उन हिस्सों को हम क्या बोलते हैं रिकॉल देम स्टेट्स ठीक है और हम उन्हें बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज़ राइट right? सही कहा मैंने ना आज की तारीख में वो स्टेट्स मतलब और यूनियन टेरिटरीज़ हैं नहीं पहले कुछ स्टेट्स बड़े थे अब उन स्टेट्स को डिवाइड करके और ज्यादा स्टेट्स बन गए पहले यूनियन टेरिटरी ज्यादा थी अब कम हो गई तो ये कम ज्यादा कम ज्यादा चलता रहता है लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट हमेशा है वो है कि इन स्टेट्स को इन यूनियन को uh, कोई तो होगा जो मैनेज करता होगा जो इनका ध्यान रखता होगा जो फंक्शनिंग का ध्यान रखता होगा राइट वेल किड्स आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी ही पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में वी विल टॉक अबाउट चीफ मिनिस्टर लेकिन जब मैं चीफ मिनिस्टर की बात कर रही हूं तो नॉट जस्ट अबाउटर पर हम ऑल्सो एक चीज जानेंगे पहला चीफ मिनिस्टर कौन था राइट सो जैसे मैंने आपसे हमेशा कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द फैक्ट की हर चीज की कहीं ना कहीं एक शुरुआत होती एवरीथिंग हैज अगिनिंग राइट तो जब ये स्टेट बने होंगे तब कोई ना कोई तो इनका पहला चीफ मिनिस्टर रहा होगा है ना और कितनी खास रही होगी उनकी जर्नी है ना क्योंकि वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने पहली पहली बार उनके पास प्रॉब्लम्स भी आई होंगी उनको सॉल्यूशंस भी ढूंढने होंगे तो आज हम उन सबके नामों के बारे में जानेंगे द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ यू नो इंडिया तो क्या आप सब रेडी है ये yes, आज अमेजिंग से टॉपिक पे मेरे साथ सूझबूझ और पढ़ाई करने के लिए राइट ओके देन लेट्स गो तो मैं आपको लेके चलती हूं डिरेक्टली टू अंडरस्टैंड एंड नो मोर अबाउट द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेरियस स्टेट्स इन इंडिया अलग अलग स्टेट्स के कौन थे पहले चीफ मिनिस्टर आई यू ऑल रेडी यस अच्छा आज की हमारी सेशन का एक छोटा सा ट्विस्ट ये है फ्रेंड्स कि जो हमारे पोल्स होते हैं जो मेधा मैम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो सबसे बेस्ट चीज होती है वो होगी एंड में बिल्कुल आखरी में ठीक है सो so हम चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे हम काफी सारे नाम पढ़ेंगे ठीक है और सबसे लास्ट में मैम के होंगे कुछ क्वेश्चन ये ओके ऐसा क्यों क्योंकि मेरे ख्याल से सारे ही नाम आज आप लोगों के लिए नए होंगे कुछ होंगे जो हमने सुने होंगे एंड मेजोरिटी हमारे लिए नए होंगे ठीक है so, सो हमारे जो आज के क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे जो आप इजीली आंसर भी कर पाए जो आपको पता भी हो ठीक है तो एक गो में पहले हम पढ़ेंगे हमारा आज का टॉपिक एंड देन वी विल है पोल्स राइट इन दर राइट सो शुरू करें ओके okay. तो so, सबसे पहले हम जानते हैं एग्जैक्टली चीफ मिनिस्टर होता कौन है राइट वॉट इज द चीफ मिनिस्टर सो जो हमारा इंडिया है विच इज अ रिपब्लिक वहां पे एक चीफ मिनिस्टर एक इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है हर एक स्टेट का कई बार यूनियन टेरिटरीज़ का भी राइट किड्स? ओके सो बेसिकली जैसे अब मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दू तो हर एक हमारे अपने घरों में ठीक है घर का एक बड़ा सदस्य ऐसा होता है ना जो घर का घर के डिसीजंस लेता है घर की वेलफेयर के का ध्यान रखता है राइट right? कुछ उसी तरीके से मान ले कि हमारी कंट्री के जो स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं वो छोटे छोटे घर हैं ठीक है और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इलेक्टेड हेड है वहां के जो उनका ध्यान रखते हैं उसकी फंक्शनिंग का ध्यान रखते हैं और राइट नाउ वेन आई टॉक अबाउट यू नो कि एग्जैक्टली ये चीफ मिनिस्टर बनते कैसे हाउ डू दे गेट अपॉइंटेड ओके सो जो चीफ मिनिस्टर है उन्हें कौन अपॉइंट करता है गवर्नर अपॉइंट करते हैं ओके एवरीबडी विल रिमेंबर जो चीफ मिनिस्टर है ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ओके नाउ जो भी पार्टी या जो भी कोई सो जैसे एक इलेक्शन होते हैं ठीक है सो इलेक्शन हुए उसमें कोई भी पार्टी या कोई भी कोशन ग्रुप जो भी मेजोरिटी लेकर आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब सबसे ज्यादा वोट जिनको मिलते हैं वो जीत जाते हैं ठीक है अब जब वो जीत जाते हैं ठीक है तो वो अपने एक लीडर इलेक्ट करते हैं ठीक है और वो बोलते हैं गवर्नर को कि हमने अपना लीडर ये चुना है ठीक है और उसके बाद जो गवर्नर है वो फॉर्मली उस लीडर को अपॉइंट करते हैं एज चीफ मिनिस्टर ठीक है और राइट और फिर उनको बोला जाता है कि आपको क्या बनानी है आपको अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनानी है so basically, क्या uh, okay, क्या हम सारे काम खुद कर सकते हैं? जैसे हमारा एक घर होता है ठीक है हमारे घर का एक जना क्या सारे काम कर सकता है मतलब लेट्स अगर आपकी मदर है तो क्या आपकी मॉम घर का भी ध्यान रख सकती हैं? क्या आपकी मॉम बाहर जाके काम भी कर सकती हैं? क्या आपकी मॉम बच्चों को भी पढ़ा सकती हैं क्या आपकी मॉम Uh, सारे ऊपर नीचे सब 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 काम कर सकते हैं नहीं ना मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते but the point is कि अगर वही responsibilities हम बांट दें जो जिस चीज में अच्छा है हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करें तो वो काम ज्यादा बेटर हो सकता है जल्दी हो सकता है एंड इनफैक्ट फैक्ट एफिशियंसी आ सकती है राइट सो बेसिकली जो गवर्नर होता है ठीक है सॉरी uh, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो चीफ मिनिस्टर अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है ठीक है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने के बाद वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं एक स्टेट का ध्यान रखते हैं या एक यूटी का ध्यान रखते हैं मेक श्योर करते हैं कि वहां पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर है सब कुछ अच्छे से फॉलो हो रहा है राइट सो दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज राइट किड्स ओके एवरीबडी इज ओके विद दिस ठीक है सो so, जो चीफ मिनिस्टर है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है जल्दी से मुझे बताइए कौन अपॉइंट करता है वेल अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ओके नाउ सो और उसके बाद क्या होता है जो है जो जो पार्टी या ग्रुप होती उसको मेजोरिटी मिलती है उसका वो अपना एक लीडर इलेक्ट करते हैं और वो कम्युनिकेट करते हैं गवर्नर को कि ये हमारा लीडर है और उसके बाद जो गवर्नर होता है वो उसको अपॉइंट कर देता है एज द चीफ मिनिस्टर और उसे क्या कहा जाता है कि आप अपना क्या बनाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओके ऑल राइट अब हम देखते हैं कि ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी पावर्स क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं है? इनकी बहुत सारी पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगी जैसे वो गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि हम किस किस पर्सन को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं ठीक है, है? Uh, किस मिनिस्टर को क्या काम देना है जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो देना ठीक है मिनिस्टर को क्या पोर्टफोलियो देना है किस मिनिस्टर को क्या काम देना है ये सारी चीजें भी जो चीफ uh, मिनिस्टर है वो इस चीज का ध्यान रखते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट ही गाइड्स कंट्रोल्स एक तरीके से एक हेड का, का काम करते हैं कि उनको गाइड करते हैं अपने सारे मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते हैं उनकी एक्टिविटीज को ठीक है कि सारे मिनिस्टर्स के पास जो काम है वो ठीक तरीके से हो जाए इंप्लीमेंट होता रहे राइट right? ठीक है तो ये है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द

तो डिवाइड होने के बाद वो कौन वहां पे कौन चीफ मिनिस्टर थे ठीक है ये सारी छोटी-छोटी चीजें हम आज देखेंगे ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पहला स्टेट दैट दैट वी आर सीइंग जो हम देख रहे हैं वो है आंध्र प्रदेश नाउ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश जब तक आंध्र प्रदेश डिवाइड नहीं हुआ था ठीक है सो so, नीलम संजीवा रेड्डी वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश ठीक है जब तक वो डिवाइड नहीं हुआ था कौन थे नीलम संजीव रेड्डी ओके ना उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जब ये आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया सो बेसिकली उनसे एक नया स्टेट बन गया तेलंगाना ठीक है तो उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के वो थे एन चंद्र बाबू नायडू ओके सो तभी आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट हो गया तेलंगाना एक अलग स्टेट हो गया ठीक है सो उस टाइम पे आंध्र प्रदेश सो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना अलग हो गया वाज एन चंद्रबाबू नायडू ऑलराइट एवरीवन यस शो मी अ थम्स अप यस ओके परफेक्ट नाउ हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन किड्स वी हैव द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश व्हिच इज प्रेम खांडू थुंगन ओके तो ये थे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज आई द नाम आप लोगों के लिए नए होंगे बट इट्स फाइन ठीक है हम मिल रहे हैं इन लोगों से पहली बार धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगी राइट मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश प्रेम खांडू थोंगन ठीक है ओके हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन हैव फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ओके कौन थे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम गोपीनाथ बोर्डोलोई ओके okay? ये थे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम और राइट केत सो हमको इन लोगों के बारे में इनके नाम भले ही जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट संभाली थी द फर्स्ट वंस, राइट उसके बाद तो ऑब्वियसली एक के बाद एक के बाद एक हर स्टेट में यू नो चीफ मिनिस्टर्स आते ही गए आते ही गए बट उसके बाद के सारे चीफ मिनिस्टर्स को कहीं ना कहीं एक तरीका समझ आ गया था पता था कि हाँ ऐसे होता है पिछले गवर्नमेंट ने ऐसे काम किया ये किया लेकिन जिनके पास पहली पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनके बारे में जानना तो बहुत जरूरी है राइट सो एज आई नहीं नहीं बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड है कि सारे नाम आप लोगों को याद रहे बट हां कभी कोई आपसे बोले कि पता है जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम थे उन्होंने ये किया था और आप बोलेंगे हाँ मुझे पता है मैम ने उनके बारे में बताया था उनका नाम था गोपीनाथ बोर्दलोई राइट यस

फिर कौन चीफ मिनिस्टर हुए बिहार के जब उससे एक नया स्टेट बन गया झारखंड और राइट तो झारखंड बना एक नया स्टेट बिहार से और राइट ओके और उस टाइम पे कौन थी चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी ओके okay? सो so जब झारखंड बन गया बिहार से अलग होके तब उस टाइम पे जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अग बिहार अगर हम उस टाइम कहेंगे तो वो थी राबड़ी देवी राइट यस right, yes, ये कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर है वेरी वेरी गुड परफेक्ट नाउ चलो अब अगला स्टेज थे अजीत जोगी ओके अजीत जोगी वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ ऑल राइट किड्स यस वेरी वेरी क्लियर परफेक्ट ऑल राइट नाउ इसके बाद हम बात करेंगे अगले स्टेट की जो पहले एक यूटी था ओके सो गोवा वाज जब वो एक यूटी था जब वो एक यूनियन टेरिटरी था उस टाइम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा वाज दयानंद बांदोदकर ओके सो उस टाइम पे गोवा वाज अ यूनियन टेरिटरी जब आ, हम जिस टाइम हम एक फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे सो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एज अ यूनियन टेरिटरी वाज दयानंद बांदोदकर ओके और उसके बाद जब यू नो इट बिकेम अ स्टेट फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी उस टाइम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा वाज प्रताप सिंह रानी यस इज दैट ओके किड्स सो जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं हमारे स्टेट्स के साथ हमारे यूनियन टेरिटरीज के साथ और उन ट्रांसफॉर्मेशंस को uh, ध्यान में रखते हुए पोजीशंस चेंज होती हैं ठीक है इसीलिए हमने कई बार देखा कोई एक स्टेट था फिर वो डिवाइड होकर दो स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो ऑब्वियसली एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर कोई और, और एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर राइट किड्स सो नाउ वी हैव सीन फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा जब वो एक स्टेट uh, हुआ प्रताप सिंह राणे वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा और राइट ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन किड्स वी हैव द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ओके सो गुजरात के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे Jivraj Narayan Mehta okay so jivraj narayan mehta was the first chief minister of gujarat all right kids yes perfect okay heading on to our next one we have the first chief minister of haryana okay haryana the first chief minister was bhagwat dayal sharma okay bhagwat dayal sharma was the first chief minister of haryana okay री वेरी गुड चलो इसी बहाने हमारे सारी स्टेट्स की भी तो रिविजन हो रही है सारे स्टेट्स के नाम कई बार हम भूल जाते हैं ना लोग अब इसी बहाने हमारे सामने सारे के सारे स्टेट आ रहे हैं राइट एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग टू नो अबाउट द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स राइट ओके नाउ हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन किज वी हैव फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश द लैंड विद लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स है ना बहुत खूबसूरत जगह हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वॉज यशवंत सिंह परमार ओके सो यशवंत सिंह परमार किस वीकेंड से ये पहले चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के ठीक है एंड किड्स आई एम श्योर ये सारे ही यू uh, नो you know, जब हम इनकी बात करते हैं इन सारे चीफ मिनिस्टर्स की जिन्होंने पहली बार ये प्रोफाइल ये पोस्ट संभाली होगी एम श्योर sure कितना स्पेशल uh, इन लोगों के लिए हुआ होगा एंड आज तक हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं इनके नाम के बारे में जान रहे हैं सो दिस इज वट बी से कि हम कई बार लाइफ में कुछ ऐसी चीज अचीव कर लेते हैं कि आगे आने वाली कई जनरेशन हमारे नामों को याद रखती हैं। Right and see, we are studying about these famous personalities today. The chief ministers, the first of the different states, right? So, first chief minister of Himachal Pradesh, Yashwan Singh Parmar. Okay, now heading on to the next one, kids. We have the first chief minister of Jammu and Kashmir. Okay, he was Ghulam Muhammad Sadik. Okay, the first chief minister of Jammu and Kashmir. Okay, kids. All right, all right. Now heading on to the next one. We have the first Chief Minister of Jharkhand. Okay, the first Chief Minister of Jharkhand kids was Babulal Marandi. Okay, Babulal Marandi was the first Chief Minister of Jharkhand. Okay, my God, this is real fun. Now we have the first Chief Minister of Karnataka. Okay, we have come down to the south. First Chief Minister of Karnataka, K. Okay? Chingala Raya Reddy, okay. Chingala Raya Reddy was the first chief minister of Karnataka. Okay, amazing. Now, the next one in the row, we have the first chief minister of Kerala. Again, a, a south a state, okay. Now, uh, the first CM of Kerala kids was EMS Nambudripad, okay. पद वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला और राइट यस बहुत सारे नाम नए हैं कोई बात नहीं पर हम सबको देख रहे हैं हम सबको जान रहे हैं हम उनके नाम पहली बार सुन रहे हैं एंड ट्रस्टमी किड्स कोई भी चीज जब हम पहली बार सुनते हैं फिर उसके थोड़े टाइम के बाद भी अगर हम वही नाम द्वारा सुनते हैं तो हमें वो नया नहीं लगता हमें ये नहीं लगता uh... क्या हम हैव हर्ड दिस बिफोर हम जानते हैं इनके बारे में हमने सुना है right? हमारी मध्य प्रदेश okay. so, से एक और स्टेट नहीं बना था द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश वॉज रविशंकर शुक्ला ओके हीज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश एवरीबडी अग्रीज शोमिया अब अगर मैं बात करूंगी द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश सो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक नया स्टेट बना जिसके सीएम हम ऑलरेडी देख चुके हैं सो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश जब उससे अलग होके छत्तीसगढ़ बन गया उस टाइम पे मध्य प्रदेश के सीएम थे दिग्विजय सिंह ठीक है अ वेरी पॉपुलर नेम हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उनका नाम सुना भी हो सो फर्स्ट सी एम ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर द सेपरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज दिग्विजय सिंह ऑल राइट परफेक्ट ओके अमेजिंग नाउ द नेक्स्ट वन इन द इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ओके द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इज यशवंत राव चवन ओके ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ Maharashtra, right? Maharashtra capital, yeah, okay, very, very good. The first chief minister of Maharashtra is Yashwantrao Shavan. Okay, he was the first one. Okay, heading on to the next one in the rockets. The first chief minister of Manipur. Okay, now we are talking about the northeastern states of our country. First CM of Manipur was Merambam. Kohring Singh. Okay, so my rembam Koyreng Singh was the first CM of Manipur. All right. Okay. Perfect. Now the next one in the row, kids. We have to meet the first CM of Meghalaya. Okay, the first CM of Meghalaya, Chief Minister of Meghalaya, was Williamson A. Sangma. Okay, so he was the first CM of.

The next one, kids, that we are talking about is the first chief minister of Nagaland. So, we are back to back about our northeastern, uh, you know, seven sisters, northeastern states. Ki baat so, the first chief minister of Nagaland was P. Shilu Aw. Okay. He was the first chief minister of Nagaland. All right. Okay. Perfect. Heading on to our next one. Okay. We have. <gasps> the first chief minister of n city of delhi which is national capital territory of delhi madan lal khurana okay madan lal khurana was the first chief minister of national capital territory of delhi all right kids okay perfect awesome and then heading to our next one we have the first chief minister of odisha okay so उड़ीसा द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो थे उड़ीसा के वो थे कृष्णा मेहताब ओके ये थे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के ओके okay? परफेक्ट और अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी ओके पुडुचेरी बहुत ही खूबसूरत जगह राइट वहां के बीचेस मुझे बहुत पसंद है तो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी जो थे वो थे एडवर्ड गोबर्ट ओके

वेरी गुड ओके और इसके आगे अब हम बात करते हैं द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जब हरियाणा उससे अलग हो गया था ठीक है हरियाणा एक अलग स्टेट बन गया उसके बाद जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के वो थे ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर ठीक है ही वॉज द फर्स्ट सी एम ऑफ पंजाब जब हरियाणा अलग हो गया था ठीक है ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर और राइट किस परफेक्ट वेरी वेरी गुड कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें आज पता चल रही है हमने ये भी देखा कि कौन से स्टेट से अलग हो कि कौन सा नया स्टेट बना राइट right? तो कई बार हम कोई एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं बट हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है राइट ओके नाउ वी हैव द फर्स्ट सीएम ऑफ राजस्थान पहले चीफ मिनिस्टर जो राजस्थान के थे वो थे हीरा लाल शास्त्री ठीक है हीरा लाल शास्त्री थे पहले चीफ मिनिस्टर राजस्थान के All right, very good. And now we have Pehle Chief Minister Sikkim K. Okay, so first Chief Minister of Sikkim was Kazi Lendop Dorji. Okay, ye the pehle CM Sikkim K. Okay, all right. My God. And now we have the first Chief Minister of तमिलनाडु ठीक है जब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था उस टाइम पे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु थे ओके आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम यू नो आंध्र प्रदेश तो द पहले चीफ मिनिस्टर जो थे तमिलनाडु के वो थे सी एन दुराय ओके ऑल राइट एंड नाउ वी हैव द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ओके तेलंगाना की पहले चीफ मिनिस्टर के थे के चंद्रशेखर राव ठीक है के चंद्रशेखर राव पहले चीफ मिनिस्टर तेलंगाना द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा ओके पहले चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के कौन थे सचिंद्र लाल सिंह ओके okay, ये थे पहले चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के ठीक है सचिंद्र लाल सिंह ओके okay.

उत्तराखंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड कौन किड्स नित्यानंद स्वामी और राइट के नित्यानंद स्वामी जो है वो थे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ओके एंड देन वी हैव ओ हम बंगाल को कैसे भूल गए हमारा अपना वेस्ट बंगाल द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल किड्स थे प्रफुल्ल चंद्र घोष ओके मुझे वेस्ट बंगाल का नाम कोलकाता का नाम सुनते ही ना रशगुल्ला याद आता है आप सबको भी आता है राइट ओके सो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल किड्स थे प्रफुल्ल चंद्र घोष ऑलराइट ओके परफेक्ट एंड विद दैट किड्स वी कम टू एन एंड ऑफ ओ माय गॉड दिस अमेजिंग अमेजिंग सेशन डिड यू ऑल एंजॉय यस डिड यू ऑल हैव फन नाउ किड्स यू नो व्हाट um, uh, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग फेमस होते हैं ना जैसे uh, जिनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं हम सुनते रहते हैं हम जानते रहते हैं उनके नाम हम सबको पता होते हैं ठीक है लेकिन कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने कुछ बड़े काम किए होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होते हैं जैसे हमने आज देखे पर हमने कभी उनके बारे में सुना ही नहीं होता राइट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर उस व्यक्ति के बारे में जाने उनके बारे में पढ़े क्या और अगर ज्यादा कुछ नहीं तो बेसिक नाम तो कम से कम पता ही होना चाहिए इतना तो आई थिंक उन्होंने पहले जैसे हमने फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो मेधा मैम आपके लिए डेफिनेटली लेकर आएंगी ठीक है जिनके बारे में जानना जरूरी है पढ़ना जरूरी है उनके नामों के बारे में एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए डू यू ऑल अग्री विद मी यस परफेक्ट ऑल राइट सो सुपर उपर अमेजिंग बहुत बढ़िया सेशन आज हमारा गया और ये सेशन यूनिक क्यों था क्योंकि हमने अभी तक कोई क्वेश्चन आंसर्स आंसर करे ही नहीं तो नाउ इट्स टर्न फॉर मेधा मैम टू आस्क यू सम क्वेश्चंस बट मैं आपसे प्रॉमिस करती कि आपके क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे बिकॉज मैं जानती हूँ सारे ही नाम लगभग हमारे लिए नए थे हमने पहली बार सुने सब एक बार ही में याद करना डिफिकल्ट होता है तो मेरे क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होंगे ठीक है अब अगर मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया है तो आप सबको प्रॉमिस करना होगा कि कोई भी क्वेश्चन अन हम सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे राइट right? तो शुरू करें सबको पता है मीधा मैम कैसे अपने पोल्स क्वेश्चन आंसर्स करती हैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे थोड़ा सा टाइम होगा और हमें जल्दी से चूज करना होगा हमारा ऑप्शन डू यू ऑल एग्री किड्स तो चलो शुरुआत करते हैं ठीक है हमारे पहले क्वेश्चन के साथ ठीक है अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय डैश सो बेसिकली चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है ठीक है द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय डैश एंड योर आर आपके हैं ए गवर्नर या फिर बी प्राइम मिनिस्टर सोचो 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 मैम ने ये बताया था यस सो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय डैश गवर्नर ए गवर्नर या फिर बी प्राइम मिनिस्टर पीएम एम चलो 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 जल्दी शुरू हो चुका है टाइमर तो शुरू होते ही भागना शुरू कर देता है यस हाफ टाइम ऑलरेडी हो चुका है चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय डैश क्या अगर आपको लगता है गवर्नर तो आप ए मार्क करेंगे और अगर आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर तो आप पी मार्क करेंगे जल्दी जल्दी माई लिटिल ब्रेनीज मैं बहुत श्योर हूं कि मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स मुझे बहुत अच्छे से आंसर करने वाले हैं ओके एंड इसी के साथ टाइम इज़ अप। ओके चलो देखते हैं क्या आंसर आया मेरे पास पहले क्वेश्चन का द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय डैश प्राइम मिनिस्टर वेल वेरी वेरी गुड माय लिटिल वन गवर्नर इज द राइट आंसर वेरी गुड बहुत ही अमेजिंग शुरुआत करी सब बच्चों ने वेरी वेरी गुड यस सो जो चीफ मिनिस्टर है उन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर वेरी गुड चलो नाउन अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो so, सब बच्चे रेडी यस ओके चीफ मिनिस्टर हैज हिज डैश ऑफ मिनिस्टर्स ठीक है द चीफ मिनिस्टर हैज हिज डैश ऑफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर की अपनी एक कुछ होता है इसके इसके थ्रू वो काम करते हैं जिनके सपोर्ट से वो काम करते हैं ठीक है उनको क्या बोलते हैं इज इट ए काउंसिल और इज इट बी टेबल तो उनको क्या बोलते हैं या जल्दी से उनको हम क्या बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या टेबल ऑफ मिनिस्टर्स कमान 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 जल्दी 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 चीफ मिनिस्टर हैज हिज डैश ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल टेबल जल्दी जल्दी लास्ट फ्यू going. वेरी गुड गोइंग काउंसिल या टेबल काउंसिल येबल ओके टाइम इज up. टाइम इज up. ये बहुत easy था वैसे है ना राइट मैंने कहा था मैं अपने क्वेश्चंस आपके लिए सिंपल बना दूंगी राइट सो हमारे चीफ मिनिस्टर जो है ही हैज हिज डैश ऑफ मिनिस्टर्स Council is the right answer. Very good. A council. गुड देखा हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है ना यहां हम कितनी डिफिकल्ट चीजें पढ़ रहे हैं पर हम जैसे ही पोल्स का आंसर करते हैं हमें लगता है वा हमें सब याद है असम नाव हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है और आपके मैं आपसे ना बस दो ही सवाल पूछूंगी टोटल सो अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए स्टिक टू योर स्क्रीन एंड लेट स्टार्ट सी एम एडवाइज इज द गवर्नर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डैश सी एम है वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं कि हम किसी भी इंसान को किस पोस्ट पर अपॉइंट कर सकते हैं ठीक है आपका ऑप्शन है ए टीचर या फिर बी मिनिस्टर कमान कमान कमॉन्द सीएम द गवर्नर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डैश ठीक है क्या पोस्ट का नाम है इज इट अ टीचर इज इट मिनिस्टर अगर आपको लगता है ए टीचर तो मार्क ए अगर आपको लगता है बी मिनिस्टर मार्क बी कम कमॉन आप किसी कुछ बच्चे मुझे चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं आप चैट में भी आंसर दे सकते हैं गवर्नर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डैश टीचर मिनिस्टर यस लास्ट फ्यू सेकेंड वेरी गुड गोइंग

अली गुड ओके और अब इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे ओके okay? अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा लेकिन अगर आप ऑप्शन से सुनोगे आई एम श्योर यू विल आंसर ठीक है ओके ना हियर यू गो विद लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट सी एम ऑफ उत्तराखंड आपको मुझे नाम बताना है पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड सिर्फ नाम ध्यान से सुनिएगा आई एम श्योर आप बता पाओगे ठीक है फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू या फिर बी नित्यानंद स्वामी ओके एज आई सेड ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड कौन है ओके okay, जवाहरलाल नेहरू या फिर नित्यानंद स्वामी अगर आपको लगता है जवाहरलाल नेहरू मार्क ए अगर आपको लगता है नित्यानंद स्वामी मार्क बी क्विक 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 क्विक

राइट किड्स बट जाने से पहले मेधा मैम को अपनी छोटी सी येलो क्लास टिप तो देनी ही है राइट right? सो so, क्या है हमारी आज की येलो क्लास टिप वेल well, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक सी टिप है पता है क्या जब भी अपने कमरे से जाए इलेक्ट्रिसिटी के स्विच को ऑफ दें बहुत सिंपल हम अपने रूम से बाहर जाते हैं लाइट्स खुली फैंस खुले एसी खुला सब कुछ खुला हुआ होता है राइट right? क्यू हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी अगर हम किसी कमरे में हैं जिस जिस चीज की जरूरत है उसको जलाएं जिसकी जरूरत नहीं है उसको क्यों जलाना? क्यों क्यों चलाना एनर्जी वेस्ट करनी अपने अर्थ को परेशान करना राइट right? हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं हमें अपनी धरती को बचाना है राइट सो सेव इलेक्ट्रिसिटी डोंट ओवर बिना बात किस जिसकी जरूरत नहीं है उसको क्यों राइट नेचुरल रोशनी में बैठिए बाहर अच्छे से हवा खाइए और स्विच को ऑफ करना याद रखिए राइट किड्स वंडरफुल सो आपको मेरा सेशन पसंद आया आपको लगा मजा आया तो प्लीज अपने फीडबैक शेयर करिएगा ठीक है एंड uh, आप सब जो अपने अमेजिंग अमेजिंग हमें वर्क शेयर करते हो हमारे प्लेटफॉर्म्स पे प्लीज कीप डूइंग दैट येलो क्लास के सारे ही मिनटोर्स बहुत 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 एक्साइटेड होते हैं आप सबका काम देख के वेल डन ओके एंड कीप कॉलिंग पीपल और लोगों को जोड़िए हमारे इस परिवार को और बढ़ा बनाइए यू नो येलो क्लास वॉन्ट्स टू गिव यू द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी छोटी छोटी हॉबीज को पूरा कर सकते हैं एंड कोर्स बहुत कुछ सीख सकते हैं मैं हूं ना राइट चलो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में किड्स टिल देन अपना ध्यान रखिए कीप ईटिंग वेल स्लीप वेल प्ले वेल स्टडी वेल बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी बाय माई लिटिल लॉट्स ऑफ लव बाय